जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। ठेला चालक मजदूर की हत्या, अपराधी ने धारदार हथियार से गर्दन काट सिर को छुपाया, ग्रामीणों में भय का माहौल कायम। मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गया जब भरण टोला के बधार में एक सिर कटी शव को लोगों ने देखा। घटना गुरुवार रात की बताई जा रही है। मृतक की पहचान खिरहर थाना क्षेत्र के कसेरा गांव निवासी करीब 55 वर्षीय मोहम्मद हलीम के रूप में किया गया। परिजनों ने बताया कि मृतक गुरुवार शाम से ही लापता था। पूरी रात खोजबीन किया। सुबह करीब 11 बजे मवेशी के लिए घास काटने बधार गई कुछ महिलाओं ने सिम्हा टोला के समीप कमला नहर में शव को तैरते देखा, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। आसपास के गांव से सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही खिरहर व बासोपट्टी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जिसके बाद कथित रूप से बासोपट्टी थाना क्षेत्र होने की बात कहकर वापस चली गई। वहीं थाना क्षेत्र के सीमा विवाद को लेकर दो थाने के बीच चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। डीएसपी के हस्तक्षेप पर हुआ मामला शांत, जिसके बाद जयनगर एएसपी डॉक्टर शून्य शौर्य सुमन व बेनीपट्टी सकिल इंस्पेक्टर राजेश कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। फिर स्थानीय अमीन के द्वारा नक्शा देखने के बाद बताया गया कि बासोपट्टी थाना क्षेत्र में शव है। हालांकि मृतक का जहां गर्दन काटा गया था वो खिरहर थाना क्षेत्र था। चूंकि कुछ ही दूरी पर एक आम के पेड़ के नीचे एक खेत में काफी खून गिरा हुआ था। उधर एएसपी व थानाध्यक्ष अरविंद कुमार कटी सिर को तलाशी में काफी मशक्कत की, लेकिन प्रयास असफल रहा, जिसके बाद शव को पानी से बाहर निकाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं घटना से आहत परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। गांव में तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। मृतक ठेला चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मृतक के पत्नी ने संदेह जताया है कि गांव के ही एक व्यक्ति के साथ पैसे का लेनी देनी का मामला था, जिसको नहीं देने पर घटना को अंजाम दिया गया है। इस बाबत एएसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने बताया कि अपराधी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विदित हो कि घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर धरोहर नाथ महादेव मंदिर है, जहां करीब 3 माह पहले 2 साधुओं को इसी तरह सिर को धर से अलग कर दिया था। उस सदमे से ग्रामीण उबरे ही थे कि एक बार फिर से दिल को दहला देने वाली यह घटना से ग्रामीणों में भय का माहौल कायम हो गया है। केना भेले घटना? पाई मंगल के सकला और कोई पाई दादा खेत छोड़ देला पाई दादा और कोई पाई देव पाई हो तो देव पाई की नहीं खेत छोड़ देला पाई दादा तो नहीं हम पाई दादा और तो बेटा सब गेल गा बाहर तो पाई हो तो तोरा दो देवो तो नहीं पाई तोरा जी पड़तो दो दी हम पाई कल को ठीक है मालिक देव अहाँ के पाई देव की नहीं तो हाँ पाई दिए दा 5 बजे राजा हमार निकल ली भरने पर तो हमारा राजा के काट का की नाम छे ओकर पूरा नाम की छे सकल बाभन सकल झा है सकल झा सकल झा बाभन सकल बुझा गे कहिया से गायब छला अहाँ के ये काल 5 बजे काल 5 बजे ले भरन पर आयल 5 बजे ओ के भेल यहाँ ओकर हाँ हमार घर वाला है की नाम छले हुनकर अहाँ के नाम की भेल हमार नाम सगीरा खातून घर घर खिरहर कसेरा टोल थाना कत पड़ी थाना खिरहर खिरहर है तो बोरे रहते ये कौन बात पर छी जत लाश छे खिरहरे में छे ने हाँ खिरहरे में है तो कत है भरने वाला सके खेत है यानी खिरहरे सीमा पर छी हाँ पूरा है खिरहरे वाला के भरने पर वाला के है आओ काका।